रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर आज प्राइमरी के मास्टर की भूमिका में नजर आई हैं। जिले को चलाने वाली जब एक प्राथमिक विद्यालय चलाती नजर आईं तो वहां मौजूद शिक्षक और शिक्षिकाएं भी हतप्रभ रह गए। किसी ट्रेंड शिक्षक की तरह जब डीएम हर्षिता माथुर बच्चों से रूबरू हुई तो छात्र छात्राएं भी उनसे घुल मिल गए और पूरा सबक सुना डाला। दरअसल डीएम हर्षिता माथुर रूटीन चेकिंग पर प्राथमिक विद्यालय गौरा बाजार और प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर पहुंची थी। यहां मिड डे मील और साफ सफाई व छात्र उपस्थिति की जांच के बाद अचानक क्लासरूम में पढ़ाने पहुंच गए, जहां बच्चों से न केवल गिनती पहाड़ा सुना बल्कि उनसे सबक पढ़वा कर उनकी रीडिंग कैपेसिटी भी परखी। राजा के पास एक आदमी आया, उसके पास एक तोता था। उसने राजा को तोता दिखाया और कहा, महाराज यह बड़ा होशियार तोता है, आपसे बात भी देखिए। मैंने आज जगदीशपुर और गोरा बाजार के हमारे प्राथमिक और कॉम्पोजिट विद्यालयों का इंस्पेक्शन किया है। ये एक रूटीन इंस्पेक्शन था, उद्देश्य यही है कि जो ज़मीनी स्तर पे हम लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग से सुविधाएं हमारे छात्रों को प्रदान की जानी है, उनके संबंध में मैं सत्यापन करने के लिए यहाँ पर आई थी। संतोषजनक व्यवस्थाएँ तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि हैं यहाँ पर। साफ़ सफाई की थोड़ा अभाव है, कुछ जगह पर मुझे सामंजस्य की भी कमी नज़र आई है। तो उसके संबंध में हेड टीचर को भी निर्देशित किया गया, BSA और DPRO के माध्यम से जो भी कमियाँ पाई गई उन्हें पूरा करने के लिए निर्देश दिए। मिड डे मील में मैम क्या मिला? मिड डे मील के संबंध में मैंने बताया आपको, जैसे कि व्यवस्था तो ठीक है लेकिन हाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई की आवश्यकता ज़्यादा थी, तो उसके संबंध में निर्देश कर दिया गया। जितने बच्चे उपस्थित थे उनके संबंध में सारी तैयारियाँ यहाँ पर मिड डे मील। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।